हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वींस प्रेगनेंसी का जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपको रात में सोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लेटने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो ऐसे में अच्छी नींद के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ जिनको आप जरूर फॉलो करें। तो सबसे पहला तरीका है झपकी लेना, यानी कि आप रात में अच्छे से नहीं सो पाती हैं तो आपको क्या करना है कि आपको दिन में जब भी आपकी बॉडी आपको संकेत दे कि अब आपको सोना चाहिए या फिर आपको थकान हो रही है तो आपको आराम करना चाहिए, तो ऐसे में आप सारे काम को छोड़ के अगर आपको नींद आ रही है तो सबसे पहले आप कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर सोएं। इससे क्या होगा, जो आपकी रात की थकान होगी वो उतर जाएगी, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप सोचे मैं फ्री होके फिर आराम करूंगी। तो ऐसे में ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको ना तो नींद आती है ना ही अच्छा फील होगा, इसलिए आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चले। और जब आप बाहर काम करती हैं तो ऐसे में आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आराम करना। तो आप ऐसे में क्या करें कि जब भी आपको टाइम मिले आते या फिर जाते समय, तो आप उस समय थोड़ा सा आराम करने की बीच बीच में जरूर कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आपका काम ऐसा है कि आप गाड़ी या फिर बाइक या फिर बस किसी में भी ट्रेवल करती हैं तो और आप किसी के साथ जाती हैं, तो आप उस दौरान भी बीच बीच में थोड़ा सा आराम करने की कोशिश जरूर करें। और इसके अलावा आप जब भी दोपहर में भोजन करती हैं और रात में भोजन करती हैं, उसके बाद आप जो है आराम जरूर करें, क्योंकि भोजन करने के बाद में अच्छी नींद आती है, तो आप उस समय अपने आप को रिलैक्स जरूर दें, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए बेहतर नींद होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशली जब आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी हो। और आप दिन में बहुत ज्यादा लंबा ना सोएं, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा सोती हैं तो आपको रात में ज्यादा ही डिस्टर्बिंग होगी, स्पेशली नींद में। और दूसरा तरीका है कि जो प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली बॉडी पिलो आते हैं, आप उनको जरूर ट्राई करें, वो आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही रिलैक्स देंगे और ये आपकी मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी पर जो तनाव पड़ता है उसको भी कम कर सकते हैं। और आप प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी पिलो कम से कम 5 फीट लंबा लें, जिसमें आपके पीठ को सहारा मिले एंड आपके पेट को कंफर्टेबल महसूस हो, और आप बिना चेक किए हुए बॉडी पिलो बिल्कुल भी ना लें। और तीसरा तरीका है कि यदि आप बिस्तर पर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक बड़ा रिक्लाइनर भी खरीद सकती हैं, क्योंकि ये आपको सीधे लेटने की तुलना में काफी ज्यादा आराम देगा। लेकिन इसको आप खरीदने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लें कि आपके लिए काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तभी आप इसको खरीदें। और चौथा तरीका है कि आपको ठीक से खाना पीना है, मतलब कि आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है एंड आप रात में ज्यादा ना पिए, क्योंकि आपको यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ेगा, इससे आपकी नींद खराब होगी। और आपको बहुत ज्यादा मसालेदार एंड तीखा और चटपटा नहीं लेना है एंड इसके अलावा आपको कैफीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको नींद की समस्या है, जैसे कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड चॉकलेट, जिन चीजों में भी कैफीन पाया जाता है, आप इन चीजों से जरूर बचें। एंड इसके अलावा आप गर्म दूध जरूर लें रात को सोते समय, ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और जो पांचवा तरीका है, अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश करनी है। और आपको जब भी आराम करना हो तो आप एक शांति की जगह पर बैठे जहां पर बहुत ज्यादा शोर ना हो, और आप अपने कमरे की लाइट बंद कर दें, थोड़ा अंधेरे में ही लेटें, इससे आपको नींद भी आ सकती है। एंड इसके अलावा आप आराम करने के साथ साथ हल्की आवाज में अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकती हैं एंड आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा आप गुनगुने पानी से नहा सकती हैं। और आप जब भी रिलैक्स करें तो आप मोबाइल, कंप्यूटर एंड टीवी, इन सब चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये आपको और ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। और जो छठवां तरीका है कि आप मालिश बिल्कुल करवा सकती हैं हाथों में, पैरों में एंड पीठ में, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा एंड आपको अच्छी नींद भी आएगी, और आप सर में भी चंपी करवा सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से जरूर चर्चा करनी है नींद ना आने के बारे में, और उनको डिटेल में बताना है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आता है एंड आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है या फिर आपके पैरों में ऐठन होती है, तो इस बारे में आप जरूर चर्चा करें, इससे डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे तरीके सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप प्रॉपर नींद ले पाएंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।